नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। उत्तराखंड में अवैध खनन का कार्य खुलेआम चल रहा है, जिम्मेदार अधिकारी मौन। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। उत्तराखंड से जहां आपको बता दें, जिला पौड़ी गढ़वाल के गाड़ी घाट और मालन नदी अवैध रेत खनन कर रहे हैं बेखौफ रेत माफिया के हौसले बुलंद। प्रशासन के आला अधिकारी मौन, जिससे नदी से लगातार खनन कार्य चल रहा है। प्रशासन की मिली भगत के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जगत न्यूज 24 उत्तराखंड से स्टेट हेड बीरेंद्र कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। मैं मनोज भट्ट कोटद्वार के गाड़ी इलाके से कचरे का डंप, ये बहती हुई नदी, इसके जाती हुई सड़क, इतनी गंदगी नगर पालिका के हाल, ये हमारी नगर पालिका के हाल। अवैध खनन आप देख रहे होंगे, वो सामने दूर नदी से रेत निकाला जा रहा है। यहाँ इसको कोई जो है रोक नहीं है, प्रशासन ये आँख बंद करके बैठा हुआ है और जो हमारे नेता हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हम उनसे आस लगाई जाएगी कि इसको जो है अब प्रतिबंध लगाती हैं और जो हमारे नगर पालिका की हालत है उसको कितना बेहतर बना सकती है। ये हमारा पुल और ये हमारा पुराना झूला पुल कहलाता था, ये झूला पुल की ये हालत और ये इस रोड पर जो नीचे वाली जो रोड दिखती है, इस पर खनन जो या माफिया है या खनन जो ट्रक चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, वो इसी रोड से रात को और सवेरे इसके चलते रहते हैं। उनसे प्रशासन की मिली भगत लगती है, उनकी